हेलो डियर किड्स, माय सेकंड बुक ऑफ हैंडराइटिंग में आज हम कर्सिव कैपिटल पी और कर्सिव स्मॉल पी किस तरह से लिखते हैं ये लर्न करने वाले हैं। आई होप अब तक के जो लेटर्स हमने ए टू ओ सीखे हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आगे के लेटर भी इसी तरह से हम लर्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है रेड डॉट, तो कहाँ पर है रेड डॉट। हेयर इज़ द रेड डॉट और यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम ये मिडल वाली जो लाइन है यहाँ पे फर्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से थर्ड लाइन, थर्ड लाइन से फिर ऊपर आगे की तरफ से घुमा के फिर पी फॉर पैरेट। देखिए, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और ये हो गया पी फॉर पैरेट। अप डाउन अप, देन अगेन सेकेंड लाइन पे हम इसे एंड करेंगे। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट, फिर थर्ड लाइन, फिर थर्ड लाइन से थोड़ा सा कर्व, फिर से ऊपर आगे की तरफ से फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन से फिर फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके आगे जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड लाइन पे घुमा के इसको एंड करेंगे पी फॉर पैरेट। देखिए, बहुत आसान है इसका भी पैटर्न, पी फॉर पेन। ध्यान से देखिए, पी फॉर पॉपिंस, पी फॉर पेंसिल जिससे आप लिख रहे हैं, पी फॉर पेपर जिस पे आप एग्जाम देते हैं, पी फॉर पेन जिससे आपकी टीचर आपके बुक पे मार्क करती है। इस तरह से कर्सिव कैपिटल पी आप डॉटेड लेटर्स ट्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आप कर्सिव विदाउट डॉट्स कैसे लिख सकते हैं, अप डाउन देन आगे, ये रहा पी। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, थर्ड लाइन से आगे की ओर, ऊपर से घुमा के पी फिनिश। इस तरह से आप कर्सिव कैपिटल पी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी है पैटर्न और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स सी कर्सिव स्मॉल पी किस तरह से लिखा जाता है। इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? हेयर इज़ द रेड डॉट और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। अब तक आपके एक बात ध्यान में आ गई होगी कि जो भी स्मॉल लेटर्स है वो मिडिल, मैक्सिमम स्मॉल लेटर मिडिल वाले टू लाइन्स में है, और ये वाली जो लाइन है स्लैंटिंग वो कॉमन है मोस्टली। देखिए, सेकेंड से थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन, फिर डाउन फोर्थ लाइन, फिर से अप सेकेंड लाइन, फिर इसको घुमा के इस तरह से देखिए, अप डाउन अप। पेंसिल पे, पेंसिल को कहीं पे भी आप उठाएंगे नहीं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, स्लाइड कर्व डाउन अप। ओके, पी फॉर पिन, इस तरह से पी फॉर पार्टी, बर्थडे पार्टी करते हैं ना, पी फॉर पोस्ट कार्ड, पी फॉर पोस्टमैन, पी फॉर पुलिस, पी फॉर पेशेंट। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जहाँ पे डॉट्स नहीं है वहाँ पे देखिए किस तरह से लिखेंगे, अप स्ट्रेट डाउन फोर्थ लाइन, थर्ड सेकेंड लाइन से डाउन थर्ड लाइन तक, अप डाउन फिर ऊपर घुमा के हो गया। देखिए, अप डाउन अप, देखिए अप डाउन घुमा के ऊपर, थर्ड से सेकेंड, सेकेंड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ सेकेंड, स्लाइड घुमा के थर्ड को टच करके ऊपर, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में हम इसे एंड करते हैं। ये हो गया पी फॉर पिन। इस तरह से आप कर्सिव कैपिटल पी और स्मॉल पी के पैटर्न को आपके टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख के लर्न कर सकते हैं। सो डू मोर प्रैक्टिस इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन योर नोटबुक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू सून।